बागबड़ा के सेंट चिश्तिया मॉन्टेसरी स्कूल में विज्ञान कला एवं क्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों द्वारा बढ़ चढ़ कर भाग लिया गया। वेस्ट मटेरियल से बच्चों द्वारा जो कलाकृतियां बनाई गई थी उनको देखकर मुख्य अतिथि द्वारा बच्चों की जमकर तारीफ भी की गई। मंगलवार को आयोजित इस विज्ञान कला एवं क्राफ्ट प्रदर्शनी में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया गया और सभी बच्चों द्वारा अपने अपने अंदाज में स्टॉल लगाकर पानी बचाने का, प्रदूषण मुक्त भारत और ऊर्जा बचाने का संदेश दिया गया। प्रदर्शनी में बच्चों की हौसला अफजाई करने पहुंचे पागबड़ा के युवा समाज सेवी एवं चेयरमैन पद प्रत्याशी हाजी नासिर हुसैन द्वारा कला प्रदर्शनी का भ्रमण किया गया और बच्चों द्वारा बनाए गए क्राफ्ट नमूनों का जायजा लेते हुए बच्चों की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। इस दौरान स्कूल की प्रधानाचार्य और स्कूल के मैनेजर भी प्रदर्शनी में मौजूद रहे। बच्चों द्वारा इस प्रदर्शनी को लेकर अपना इजहार ख्याल भी किया गया। माई सर मोहम्मद फ्रॉम क्लास 3A, मेरा प्रोजेक्ट है हॉस्पिटल। इस प्रोजेक्ट को मैंने बनाया है। हॉस्पिटल बनाने में मैंने थर्माकोल, चार्ट पेपर, कलर्स और कई सारी अन्य वस्तुओं का प्रयोग किया है। हॉस्पिटल एक ऐसा स्थान है जहां रोगियों का इलाज होता है। हॉस्पिटल दो तरह के होते हैं, सरकारी व प्राइवेट। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज First, I made a dry food basket with a ice cream stick, flower lace and more than other things. It's a beautiful look. It is. Hello, good afternoon, everyone. Today, I'm here to tell you about my craft flower pot, and it is decorated by me with a beautiful colors, especially and with a beautiful with a it is decorated by it flower pot is my season. This is winter season and this is spring season and this is rainy season. We have made in it by the help of thermocol cotton plants, stickers, ice cream sticks, toothpick, and also some other used. बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडल देखकर मुख्य अतिथियों द्वारा बच्चों की तारीफ की गई और कहा गया कि हमारे यही बच्चे आगे चलकर अपने परिवार का, अपने विद्यालय का और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। इतनी कम उम्र में बच्चों की सोच आगे बढ़कर काम कर रही है और बच्चे चाहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का जो असर हमारी पृथ्वी पर देखा जा रहा है वह सब ठीक हो, हमारी पृथ्वी हरी भरी रहे, प्रदूषण मुक्त हो और मानव जीवन के साथ साथ हर तरफ अमन और चैन का माहौल बना रहे। इस प्रदर्शनी में बच्चों ने पानी बचाने का संदेश भी दिया तो वहीं भारत की तमाम धरोहर को प्रदर्शित करने का काम किया। बच्चों ने ऊर्जा बचाने का भी संदेश दिया। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में मौजूद रहे चेयरमैन पद के उम्मीदवार हाजी नासिर हुसैन से जब बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि आज वे बच्चों की इस प्रदर्शनी में पहुंचे हैं। बच्चों ने बहुत अच्छी कलाकृतियां बनाई हैं और कई बिंदुओं पर बच्चों ने संदेश देने का काम किया है। अगर हम बच्चों की इन संदेशजनक चीजों को देखें और समझें तो मैं मानता हूं कि हम एक अच्छे नागरिक होने का संदेश जरूर दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों ने पानी बचाने का संदेश दिया है, बिजली बचाने का संदेश दिया है और इस पृथ्वी को बचाने का संदेश दिया है। आज हम पहुंचे सेंट चिश्तिया मॉन्टेसरी स्कूल। यहाँ पे बच्चों ने थोड़ा फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक के बच्चों ने कुछ हैंडीक्राफ्ट बनाए हैं और साइंस प्रोजेक्ट बनाए हैं और देख के बहुत अच्छा लगा और नए नए प्रोजेक्ट देखने को मिले बच्चों के लिए। ये हौसला अफजाई की बात है, बहुत अच्छा वर्क दिखाई दे रहा है इनका। और जैसे इसमें साइंस का एक इसमें साइंस का वर्क किया है और मशीनरी दिखाई है इसमें और साइंस के काफ़ी प्रोजेक्ट दिखाएँ, अच्छा लगा और उससे दिखाई देता है कि बच्चे आगे चलने के बाद में काफ़ी तरक्की करेंगे। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य से जब इस बिंदु को लेकर बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि हम अपने बच्चों को समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए तैयार करते हैं ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ सोशल एक्टिविटी में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें और हुनरमंद हों। यही हमारा मकसद भी है। अगर हमारे बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़कर काम करेंगे तो हमारे आने वाला कल का भारत नया भारत जरूर कहलाएगा। हमारे स्कूल में आज साइंस एग्जीबिशन और एग्जीबिशन और आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी का हमने ऑर्गेनाइजेशन की थी। क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे कार्यक्रम से आप? जैसे कि छोटे बच्चे हैं वो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं
और उन्हें ना कुछ चेंज चाहिए होता है। स्टडी अगर हम बच्चों को प्रैक्टिकली कराएं, बच्चों को खेल कूद कर समझाने की कोशिश करें, पढ़ाने की कोशिश करें, तो बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं और बच्चों को एक नॉलेज भी बढ़ती है, बच्चों में क्रिएटिविटी भी आती है। जब हम आर्ट और क्राफ्ट बच्चों को समझाते हैं, बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं उसमें, थोड़ा बच्चों का इंजॉयमेंट हो जाता है, बच्चों को थोड़ी सी एक्टिविटी आ जाती है। और साइंस, जो हमारे साइंस स्टूडेंट होते हैं, उन्हें आगे चलकर मॉडल तैयार करने होते हैं, जिसकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है स्कूल से। आज इस एग्जीबिशन के जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं आवाम को यही संदेश देना चाहती हूँ इस एग्जीबिशन के ज़रिए कि जो भी बच्चों के प्रैक्टिकल होते हैं, वो एक इंजॉयमेंट, बच्चे इंजॉय भी करते हैं उसको और बच्चों में क्रिएटिविटी भी आती है। और पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पर ध्यान दें। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, वो बच्चों की एक्टिविटी पर भी ध्यान दें, वो वेस्टिंग समझते हैं।